नो ड्रग्स इन सेफ फिट एंड स्मार्ट सूरत सिटीना संदेशाओ साथे ज गुजरात दिवस ने आवकारवा सुरतीओ दौड़शे। सूरत शहर पुलिस विभाग द्वारा 30 एप्रिले शहर में नाइट मैराथन दौड़नु आयोजन करवामां आव्युं छे। सूरत शहर पुलिस द्वारा राज्यना गृहमंत्री तथा गुजरात सरकार की प्रेरणा थी शहर में 30 एप्रिल रोज नाइट मैराथन दौड़नु आयोजन करायुं छे। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमरना नेतृत्व अने मार्गदर्शन हेठ आगामी 30 एप्रिल रोज गुजरात डे नाइट मैराथन दौड़नु आयोजन सूरत में करवामां आव्युं छे, जेमां नो ड्रग्स इन सेफ फिट एंड स्मार्ट सूरत सिटीना संदेशा साथे गुजरात दिवसे आवकारवा माटे मोटी संख्यामां सूरतीओ दौड़शे। आ अंगे माहिती आपता शहर पोलीस कमिश्नर अजय कुमार तोमरे जणाव्युं हतुं के से नो टू ड्रग्स नो ड्रग्स इन सूरत सिटी साथे स्मार्ट सिटी सूरतना संदेशाओ साथे तेमज गुजरात दिवसनी उजवणीना भागरूपे आ नाइट मैराथन दौड़नुं आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अने 21 किलोमीटर दौड़नुं आयोजन करायुं छे। जे दौड़ रात्रिना 12 वाग्या सुधी योजाशे अने 12 वाग्या बाद एटले 1 मे गुजरात स्थापना दिननी शरूआत साथे विजेताने इनाम वितरण करशे। दौड़मां भाग लेनारा स्पर्धकोनो उत्साह वधारवा गायक कलाकार पार्थिव गोहिल अने किंजल दवे खास उपस्थित रहेशे। सूरत शहर पूरे भारत में और विश्व के भी सबसे तेजी से बढ़ रहे शहरों में से एक है। यह गुजरात का और भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। सूरत शहर पुलिस द्वारा गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी साहब की प्रेरणा से, गुजरात सरकार की प्रेरणा से एक नाइट मैराथन का आयोजन करने जा रही है, जो कल यानी 30 अप्रैल को शाम को शुरू होगा। जो मैराथन जो हाफ मैराथन इसमें है वो 12 बजे के बाद पूर्ण होगी। इनामों का वितरण भी 12 बजे के बाद होगा, यानी 1 तारीख होगी जो गुजरात दिवस भी है। तो गुजरात डे के सेलिब्रेशन के लिए और इस रेस को कराने के जो पुलिस सूरत पुलिस के मुख्य लक्ष्यांक हैं, नो ड्रग्स इन सूरत, फिट सूरत, सेफ सूरत और स्मार्ट सूरत, इन्हीं हेतुओं से सभी को इसके बारे में जागृत करने के लिए, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए उसके लिए इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 5 किलोमीटर जिसमें लगभग 32,000 लोगों ने भाग लेने के लिए अपनी स्वीकृति दी है, 10 और 21 किलोमीटर की दौड़ में भी लगभग 2,500 से ज़्यादा धावक भाग लेंगे। इसमें टाइम के मेजरमेंट के लिए बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार RFID टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है।